भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्सव जैसा माहौल है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की गई। इस रंगोली को 19,000 वर्ग फीट में तैयार किया गया और जिसके लिए करीब 8,000 किलो धान का इस्तेमाल हुआ है। धान से बनाई गई ये रंगोली अब लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में तैयारियां चल रही है और ऐसा ही कुछ खास नज़ारा भगवान राम के ननिहाल में भी बन रहा है। भगवान राम के ननिहाल से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें पहला रिकॉर्ड प्रभु राम की रंगोली से बनाया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रंगोली बनकर तैयार है। इस रंगोली में धान का इस्तेमाल किया गया है और करीब 8,000 किलो धान से ये रंगोली जो है तैयार की गई है। रंग बिरंगे धान से ये रंगोली जो है तैयार की गई है और बेहद ही सुंदर ढंग से इस रंगोली को जो है वो बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के 40 सदस्यीय टीम के द्वारा ये रंगोली जो है पूरी तरह से तैयार की गई है और लोगों के लिए ये रंगोली जो है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग धीरे धीरे करके इस रंगोली को जो है वो देखने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी 2 रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में जो है वो बनाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से 501 बच्चों की जो है राम के वेशभूषा के साथ झांकी भी जो है निकाली जाएगी। इसके साथ ही 2,000 फिट लंबा जो है गमछा भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, News18 छत्तीसगढ़ रायपुर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर राजधानी रायपुर भी राममय हो गया। राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर यहां झांकी तैयार की गई। राजधानी के सभी चौक चौराहों में 2 दिन तक ये यात्रा घूमेगी और इस दौरान दिल्ली से वानर सेना और वृंदावन की रामायण मंडली प्रस्तुति देंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है और छत्तीसगढ़ में भांजों के पैर धोए जाते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का राममय होना भी स्वाभाविक है और लोगों में दोगुना उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी के राम मंदिर में भी खास तैयारियां जो है वो की गई है। इस वक्त मैं राम मंदिर के बाहर ही मौजूद हूँ और राम मंदिर के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक भव्य झांकी जो है वो निकाली जा रही है और अयोध्या के मंदिर के तर्ज पर इस झांकी में भी अयोध्या का मंदिर जो है वो तैयार किया गया है। करीब 1.25 महीने इस मंदिर को जो है वो तैयार करने में लगे हैं और राजनगांव के कारीगरों के द्वारा इस भव्य मंदिर को जो है वो तैयार किया गया है और करीब 51 कारीगरों ने इस भव्य मंदिर को जो है वो बनाया गया है और बेहद ही सुंदर ढंग से ये पूरी मंदिर जो है वो डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा और भी तमाम तरह के आयोजन राजधानी रायपुर में किए जा रहे हैं। 11 बजे से एक और रथ यात्रा राम मंदिर के बाहर से जो है वो निकलेगी। तमाम तरह के आयोजन सभी जगह में जो है देखने को मिल रहे हैं और एक खासा उत्साह लोगों में जो है और थोड़ी देर में ये रथ यात्रा जो है यहाँ से रवाना हो जाएगी। सुबह 8 बजे ये रथ यात्रा जो है यहाँ से रवाना होने वाली थी लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने थोड़ी सी इस रथ यात्रा में जो है वो खलल डाली। लेकिन उसके बाद भी बारिश हो जाने के बाद भी लोगों का उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है और लोग जो है दोगुना जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, News18 छत्तीसगढ़। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में चौक चौराहों और अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाकर जश्न मनाने की तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में बिलासपुर जिले की धर्मनगरी रतनपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 501 दीप जलाए गए। रतनपुर स्थित महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा अपने अधीनस्थ सभी मंदिरों में विशेष पूजा रखी गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे प्रसाद वितरण का, मिष्ठान वितरण का भी रखा गया है। साथ ही महामाया परिसर में, ट्रस्ट परिसर में, मंदिर परिसर में 500 दिए, 501 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। कल की तैयारी के लिए क्योंकि जगह जगह मंदिरों को सजावट किया जा रहा है। कल अवकाश भी दिया गया है, हाफ अवकाश दिया गया है और पर्यटकों की भी संख्या बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए सभी मंदिरों में सुरक्षा के मद्देनजर बल लगाया गया है। ट्रैफिक को भी यहाँ जो मेन भीम चौक है, महामाया चौक है, यहाँ जो भीड़ भाड़ रहता है तो यहाँ से भी बाईपास ट्रकों या ट्रेलरों की आने जाने की व्यवस्था की गई है।